द्वारा उनका हमारी मंदिर की फतेह है। पापा गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी पुरब, भगत नामदेव जी का जन्मदिन दिवस मना रहे हुए। इस संबंध में सवेरे 15 अखंड पाठ और 2 सहज प्रकार के भोग पाए गए, उपरंत किलाही कीर्तन होया है। हुण अधे घंटे लई विचारां कीतियां जाणगियां तां जो सानूं प्रेरणा मिल सके। महान आत्मा दे दिन मनाउण दा इही लाभ हुंदा है, इक ते असीं उहनां दा शुकराना करना हुंदा है कि आप जदे संसार आए, मिटी धुंद जग चानण हुआ, अड़िवस्था पैदा हो गई, ये शुकराना भी करना हुंदा है, अगे प्रेरणा भी लैनी हुंदी। सो आपां ने प्रेरणा लैनी है, क्योंकि महान आत्मा का सारे का सारा जीव प्रेरणा भरपूर होता है। अपन प्रेरणा मिलेगी ता ही साडे जीव च परिवर्तन आएगा। जदों भी किसी मनुख के जीवन च परिवर्तन आया है, उन्होंने किसी ना किसी तो प्रेरणा जरूर मिले, चाहे किसी व्यक्ति तो मिले, चाहे किसी साधु संत महात्मा तो मिले, चाहे गुरुआं के जीवन पढ़ के मिले। प्रेरणा मिलती है, बंदे जीवन की तब्दीली होती है। गुरु नानक देव जी 9 साल के हैं। माता पिता ने सोचा कि जनेऊ पहनाउण दी रस्म अदा कीती जाए, जिवें सिख धर्म दे विच हुण प्रवेश करना तां 5 प्यारिआं तों अमृत दी दात प्राप्त करनी हुंदी है, फिर मनुख सिख धर्म तक प्रवेश कर सकदा है। इसे तरह ही हिंदू धर्म के प्रवेश करने उस वे जनेऊ पहनना जिवें जनेऊ कहते हैं यह रस्म अदा की जाती है। बहुत इकट्ठ हो गया है, क्योंकि मेहता कल भी कई पिंडा ने पटवारी सन, चंगे असर सुख वाले सन, इसलिए बहुत इकट्ठ हो गया है। ते जदों पंडित जी जनेऊ पहनाउण लगे गुरु नानक देव जी, तां गुरु नानक देव जी कहंदे सानूं जनेऊ पहनण तों तां कोई इतराज नहीं, पर मैं तां उह जनेऊ पहनना है जिहड़ा मरण तों बाद वी लाल जावे, ना अग विच सड़े, ना पुराणा होवे, ना टुटा होवे। जे पंडित जी कोई इहो जिहा जनेऊ है तां पहना दो, इहो जिहा तां कोई बणिआ नहीं सी। तां गुरु महाराज कहंदे कि जिसने जनेऊ पहनना है उहदे विच 4 गुण होने चाहिए, जे 4 गुण नहीं तां उहने एवें इक रस्म अदा कीती है, ते सिख धर्म रस्मां च पहन वाला नहीं। उदों सारा हिंदू समाज, मुसलमान समाज रस्मां दे विच जकड़िया होया सी। जिहड़ा धर्म है उहदा तत् सार मनुख भुल चुका सी, इस लई गुरु महाराज कहंदे असीं रस्मां च नहीं पहिणा, असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ा वी जनेऊ पहने उहदे 4 गुण होणे चाहीदे, दया, कपा, संतोष, सूत, जत, गंढी, सत, हठ। इह जनेऊ जीता तीता पांडे धरत। जनेऊ पहनण वाले दया होनी चाहिए, सबर संतोख होना चाहिए, उच्चा चाल चलन होना चाहिए, अते सच्चा जीवन होना चाहिए। जे ये गुण नहीं तो फिर जनेऊ पाउणा ठीक है, ते जे गुण नहीं तो फिर एक रस्म करनी चाहिए। असीं भी जिहड़े 5 ककारी हां, जिहड़ी रस्म नहीं समझ लैणा इस नूं। अज मनुख ने इसनों रसम समझ लिया है, कृपाण के नाल ही कड़ा बनी फिरदा, कृपाण के नाल ही कंघा बनिया होया, समा पा के पता नहीं की कुछ बन रहे। जिहड़ी भावना है खत्म होंदी जाती है, कंघा है सिर साफ करन दा, ये बाल रखे ने साफ होने चाहिए, कृपाण है कि अपनी रक्षा करनी है,
ਸ਼ਹਿਰਾ ਨੰਗੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਚਰਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਤਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਮਗਰ ਤੱਤ ਸਾਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਤ ਜੋ ਹੈ ਮਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਏ ਪੁਆ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਜਦਕਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੀ ਚੂਹੜ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸਾਧੂ ਸੀ ਸੰਤ ਰੇਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਦ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤ ਰੇਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲ ਕਰ। ਸੋ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਨੰਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। 28.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹੀ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ,
शब्दों में कुछ बोल कि आपने क्या आद सच जुगाद सच है भी सच नानक बोसे भी सच कहते हे नानक मैं की हां कि तू जान गया है जा हम मेरा नाम जपा सो लोरे व्यक्ति को नमा नाम जपाने का अधिकार नहीं है। सिख धर्म का एक नाम वही दूजा तो जपवा सकते जो आप गुरु वाला क्योंकि गुरमंत्र का ही जपाया जाता है कीर्तन कीता जाता है गुरमंत्र ही मिलता है गुरमंत्र से जाप कराया जाता है अपना गुरमंत्र ओपन है। पंचम पातशाह मेरे भाई गुरदास जी ने बेनती की पंचम पातशाह कि गुरमंत्र जी ओपन कर दिता जाए फिर पंचम पातशाह ने आग्या देती ताई भाई गुरदास जी वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हम ये पंचम पातशाह वे ओपन हो गया से अज तक ओपन है सारे सिख कित भी अवर दे सकन देश विदेश सकन सब वाहिगुरु गुरमंत्र ही दिता जाता है। सो एक घटना सानू दसती है कि निगुरा कोई भी व्यक्ति नाम नहीं जपा सकता नाम जपाने का हुक्म सिर्फ सिर्फ गुरु वाले वाले कर क्योंकि गुरु वाला ही अगे फिर दृढ़ कराता है कि तुम गुरु वाले हो। सिख धर्म के सारे धर्म गुरु वाला होना चाहिए है निगोरे को तो कहीं गति ही नहीं होती निगोरे का तो नाम लेना ही माड़ा है। अगली जी घटना जो सू प्रेरणा दी है हर घटना प्रेरणा दे रही है उन्होंने जीवन की हर घटना सुल्तानपुर लोधी दे सारे चर्चा होती है कि जरा नानक है कि कहते ना को हिंदू ना को मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण पिंड बने शरीर कहते अल्लाह राम का दिता हुआ शरीर है वह प्राण है असि तो देखो हिंदू से मुसलमान हूँ परमात्मा ने किसी को हिंदू या मुसलमान नहीं बनाया हुआ सब वो जीव हैं। ये गल फैल गई है नवाब ने गुरु नानक जी सद्या कि जे थोड़िया नजर से हिंदू से मुसलमान बराबर हैं तो कल जुमे की नमाज है उसे जुमा शुक्रवार होते हैं जुमे की नमाज है साढ़े नलाके नमाज पढ़ गुरु महाराज कहते पढ़ देंगे गुरु महाराज चले गए। चर्चा होती है हिंदू सोच रहे ने कि नानक मुसलमान ना हो इसलिए मसीत भी भर गई है मुसलमान वेखना एक हिंदू नमाज पढ़न आ रहा है हिंदू भी बेचारे मसीत के बाहर खड़े हो गए शहर में भी देखो अज की बनता किसी को कुछ पता नहीं कि अज की होना है अपने अपने अंदाजे से जिमें आप जी को पता है नमाज शुरू हो गई है गुरु महाराज उस तरह खड़ोते रहे हैं कोई उन्होंने तरह नमाज नहीं पढ़ी नवाज समाप्त होने तो बाद भरी सभा के नवाब काजी ने कहा कि नवाब साहब इन्हों का नमाज ही नहीं पढ़ी नवाब साहब कहते तुम नमाज नहीं पढ़ी पर सिकंदरी पढ़ा नमाज में गुरु नानक देव जी कहते कि कोई भी नमाज नहीं सी पढ़ रहा काजी कहता मैं पढ़ रहा से कहते काजी जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘੋੜੀ ਸੋਈ ਹੈ ਤਨਹਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਨਹਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਨਹਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਘਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਤੂੰ ਚਨਾ ਡਿੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਵਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ
अपनी गलती नहीं है, यही के मुकर गया नहीं, गलती नहीं के हाँ वाकई असी गैर हाजर से कहने का की भाव है कि ओनी ही भजन बंदगी दरकार च प्रवान होंगी है जिन्हें च मन हाजर, मन की हाजरी जरूरी है। तान करके तो अपना च सारे बैठे हैं, मन करके किन्ने क बैठे हैं कि हर एक को पता है मन बिचों कदे किधरे कदे किधरे कदे किधरे जाता। एक मन चित चित होके तो कोई वेला टावा दिन होंदा होएगा जब एक मन चित चित होके यह भजन बंदगी होंगी हो, नहीं तो मन सदिया तो भटक रहा है तो जीवन भटका रहा है। तो गुरु महाराज श्री कहते हैं सावधान एकाग्र चित होके भजन बंदगी करनी है ता ही सतखंड सिद्ध प्रवान होगी। सिख धर्म के विचे गुरु नानक ने नारा दिता से किरत करो नाम जपो वंड कैसे, जिथे देखा भी ढगिया ठोरिया चलदिया हैं उत्थे गुरु महाराज जी पहुंचते। मुल्तान के इलाके तलंबा नगर उत्थे सज्जन ठग नाम का व्यक्ति रहता है, ठग के बाद जोड़िया करवाते ठगिया करता से लोगों ने पता नहीं सज्जन बालर सज्जन शाह जड़े हिंदू सन सज्जन बल कहते सन मुसलमान सज्जन शाह कहते सन। दो धर्मशालाएं बनाई हुई हैं हिंदुओं के ठहरन ले मुसलमानों के ठहरन ले, रात में उन्हें लुट लिया करता मार दिया करता। सरकारी दरबारी योजे लोगों की पहुंच होती है, हूँ भी जिन्होंने सरकारी दरबारी पहुंच है हूँ भी बथेरा कुछ करते हूँ भी बथेरा कुछ करते भी सानू कि पुछना है क्योंकि बिना किले तो यह जो काम नहीं होते। जिन्हें किले मजबूत होते हैं वो ही यह काम करते हैं, माड़ा कीड़ा यह काम नहीं कर सकता। खैर गुरु महाराज पहुंच गए हैं, उन्होंने समझाया है कि नाम से थोड़ा सज्जन है काम थोड़े दुर्जन वाले हैं। सज्जन का विरोधी शब्द है दुर्जन, नाम थोड़ा सज्जन है आले दुआले लोग तुम्हें सज्जन समझते हैं पर तुम तो लोगों लुटते हो फिर उन्होंने मार देते हो पाप कर्म करते हो इसका हिसाब कौन देगा। गल समझ आ गई है, सज्जन ठग माफिया मंग रहा है। गुरु महाराज कहते माफी तो मिलती है जे अगे तो मनुख तौबा कर कि मैं ये काम मुड़ के नहीं कर सकता। सज्जन ठग के कन्न पड़े दोनों हथा नाल तिन मैं गुरु जी मुड़ के ये काम नहीं कर सकता। ये गुरु महाराज कहते जेड़े हूं तक लोगों मारता मिलता है यदा हिसाब कौन देगा। वो कहता जी तो मैं तो पता नहीं है जिम्मे तुम कहें मैं उम्मीद कर देना। कहते सारा धान है गरीबा च वंट दे अगे तो तौबा कर ता तेन माफी मिली। सिख धर्म है चलो जाने अनजाने की गलतियां हो गई, कई आप जान के भी गलतियां करते हैं पता होंगे गलत है पर कि पुछते यह भावना लैके गलत काम करते जाते हैं अति किए जा रहे हैं। इतने जो कोई ना भी पुछे तो धर्म कहना अगे तो फिर उन्हें पुछने पुछना नंगा दुध चालिया तो दसा करा डरा बना कर औकड़ पछोता वड़ा हुआ गुणदार का संकल कंध चलाया अगे करनी कीर्त वाची है पहले खा कर समझ आया कौन होई कौन दी कौन दे छत्तर पैदे खान लगता कौन होई कौन दी जब छत्तर पैदे ने बच्चों खान मन अंदर जन्म गवाया वाली अवस्था पैदा हो जाती है। सतगुरु महाराज कहते भाई दसा नौ की किरत करनी है ये सानू घटना दसदी है उन्हें दृढ़ी यही कराया कि दसा नौ की किरत करनी है जिथे भी गए दसा नौ की किरत करके लोगों को बुलाया फिर नाम जपड़ते रहे क्योंकि जिथे लोग सुधरना है उत्थे परलोक भी साडा सुधरना चाहिए। सो ता ही हो सकता है जे मनुख किरत भी करे नाम भी जपे तो वढ़ के भी जपे। गुरु महाराज ने
नानक मत चले गए उत जोगी बहुत होते सन मतलब गोरखनाथ तक चले सन योगियों के प्रसिद्ध गोरखनाथ होया वो नाल से योगी रेंगे गुरु नानक देव जी चले गए उन्होंने इम्तिहान लैन में गुरु नानक देव ने कहा कि तो दरिया बहुत दूर है साड़ी इच्छा है कि तो कोलों की नदी आ जाए गुरु महाराज ने अपने छोटे वरदाना जी ने दिखे इतने वरदाना जी ये छोटी का एक सिरा दरिया के बिच रखा दूजा सिरा पाते पाते फिर दरिया वाले पिटका पिना छोटी को धरती से जिमें आप लकीर फेरते हैं ऐ फेरते आना ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਲੈ ਆਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਰਦਾਨਾ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌ ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੌਚਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਸੋਟੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋਟੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 100% ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੋਟੀ ਤੇ ਲਈ ਆ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਹਦਾਓ ਮਠਿਆਈ ਵਿਕੇਗੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਹਲਾਇਆ ਤੇ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ
जे सानू समझ नहीं तो यही समझना मेरी मत थोड़ी बा कि मेरी ते मत थोड़ी है, मैंने गल समझ नहीं आ रही, शंका भी आ रही। कई बारी गुरु नानक दे जिथे जाते नाम जपण भी कहते मरदाना जी कहते बाबा जी तुसी नाम जपण लई बड़ा कहने हो कि लोग नाम क्यों नहीं जपते, कहते मरदाना जी इन्हां नाम की अजे महिमा देनी पता, जिन्ना चिर किसी नूं किसी चीज की महिमा का नहीं ना पता वह कदर नहीं पाया गया। इन्हें जिन पटने पहुंच गए गुरु महाराज का शंका दूर करन लई क्या मरदाना जी थोड़ी मिट्टी पुछया, वो मिट्टी पुछी उस तो हीरा जो लाल के निकला है। मरदाना जी ये लाल बहुत कीमती है, इनू सस्ता ना वेच गया जो वेच के आओ शहर चले हूँ। जिन्हों पते ही हीरा की होंदा वो किसी ने अठियानी कीमत पाई, किसी ने रुपया पाए, किसी ने 2 रुपए कीमत पाई, फिर फिरदा फिरदा साल सराए जोड़ी की दुकान से चले जो सब तो वाला जोड़ी जो कटते उसे जाके नौकर का झटका से उसका उन्होंने हीरा पाया आखिर भी नौकर से ध्यान सुन देखा हीरा दिल बड़ा कीमती है। कहने महात्मा जी ठहरो मैं मालक को सदा मालक को सदा साल सारे ने हीरा वेख्या ते अपने नौकर दे अदरके नूं अदरके एक थाल लिया 100 मोहर लैके आ रुमाल लैके आ थाल आ गया है। साल सारे ने हीरा बड़े प्यार सत्कार नाल थाल चक्के 100 मोहर रखी है उत्ते कपड़ा दिता है मत्था टेका। मरदाना जी सोचते ने इन्हें वाहवा कीमत पाई इन्हू ज्ञान है। साल साहब पुछते हैं महात्मा जी ये तुम हीरा कितों मिले, कहें जी मैंने गुरु नानक ने दिता। कहते अच्छा और जो पंजाब पैदा हुए ने कितने और जी ऐसा थोड़ी दूर से असं जाते दरिया के कटे बैठे हुए। कहते अच्छा की नाम तुहाडा? मेरा नाम मरदाना है। मरदाना जी ये हीरा बहुत कीमती है, जे तुसी वाकई इस नूं वेचना है तो मैं सारे शहर के ज्योरी सदांगा, वो फिर जिनी कीमत इसकी पाउणगे जे मेरे कोल ओने पैसे होए तो मैं खरीद लांगा। तो कहना जिहड़ा तुसी 100 रुपया दिता ये कहिंदे ये तां जिस तो मैं काम सिखना ज्योरी पड़ेगा अपने गुरु तो उन्हें मैंने कहा कि जे तो बहुत कीमती हीरे दे तू दर्शन करें 100 रुपया भेट करना है ये दर्शन ही करेगा। ये वापस आया गुरु महाराज कहते क्यों जी मरदाना जी? कहते हाँ बाबा जी ठीक ही तुम कहते किसी ने रुपया कीमत पाई, किसी ने जवानी पाई, किसी ने ठहनी पाई, किसी ने दो पाई, बाकी इन्होंने हीरे का कोई ज्ञान नहीं है ते जिन्हों ज्ञान से उन्हें तो 100 रुपया मथे टेक कर कीमत है कितने मत्था टेकता सत्कार वाजो। कहते हूँ मैं समझ आई है लोग नाम क्यों नहीं करते, बाकी इन्होंने नाम की महिमा कहना आप भी नहीं अजे करते जापते तो आप हाँ इस कोई शक नहीं बाणी भी पढ़ते हैं नाम भी जपते हैं पर जिन्ना जपना चाहिए उन्ना तो नहीं ना जपते अजे भी कथा कहानियां सुन के तो थोड़ा जहा विश्वास बढ़ जाता पर फिर असं फिर चले पै जाने क्योंकि अजे भी नाम की महिमा दृढ़ नहीं हुई। जदों नाम की महिमा अंदर दृढ़ हो जाएगी फिर उड़ते बैठते तुरते फिरते नाम ही जपना। एक व्यक्ति मैंने कहता जी मैं उड़ता बैठता तुरता फिरता चपाई साहब से पाठ करते ही कुछ ही दिनों के हजारा चपाई साहब से पाठ कर दी। कहते कई बार मैं मियाँ बीबी असं जा रहे हैं स्कूटर से असं कोई गल नहीं करते वो अपना सिमरन करते रहते हैं मैं चपाई साहब से पाठ करते रहता जे कोई खास ही गल करनी फिर असं इशारा करते हैं गल करके फिर अपना सिमरन कर लग जाए पता लग गया मैं
जब मैं मंदिर पता लग जाए फिर सब कुछ हो जाता है। फिर बहानेबाजी रहती ही नहीं है कि मेरे को समा नहीं है। एक्चुअली अगर सानू मेहमान का पता ही नहीं ना नाम का ना पानी का इसलिए सी बहाने बनाने में तो समा नहीं है। ये सब लंगड़े बहाने में है, लेम एक्सक्यूजेस में, क्योंकि मेहमान का नहीं है पता। ये गुरुआ ने तुम जीवन पढ़ो फिर पता लग जाए भी हाँ उनका जीवन ही नाम दिया से असं आखा जीवा विसर मर जा जीवन का आधार ही बना गुरु महाराज साढ़े से कृपा करूंगा। अगे मध्य प्रदेश चले गए जबलपुर का रखता वो जंगलों के थोड़ा राश ही चले जाता बंदे मार मार के कारे कारे देखो असि खाइए पशुआ तो कोई गल कर सानू कोई खावे फिर तकलीफ है। जड़ा सानू खावे उन्होंने कहने राक्षस है असं खाइए तो कोई गल नहीं मुर्गियां का जी ये भेडा भेडा का जी इन्हों का होर की है हजार कमाए कहने ये खाने ही नहीं। देखो इको बंदा संसार पे जिन्हें सानू खाधा अज तक असं उन्हें कहने राक्षस छड़िया नहीं बेचारा ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं अज भी असल राक्षस ही कहने क्योंकि सानू खाधा असी किसी को खाइए तो कोई गल नहीं सानू कोई खाए तो असं कहने राक्षस जे असी किसी को खाई तो असं राक्षस नहीं ये कदे किसी ने सोचा सानू खाता से असी कह राक्षस असी खाने रोज ही खाने हजार की तादाद पशुओं मार मार के लखा तादाद खाने और देखो हैराने की गल दिवाली वध खाने विसाखी उदो वध खाने त्योहारों बहुत ज्यादा खाता रहता है असि भी तो राक्षस ही उन्होंने नजर उन्होंने पुछ के देखो बकरे पुछ के देखो मुर्गे पुछ के देखो मच्छी उन्होंने पुछो मैं कौन है वो कह तू राक्षस वो बेचारे बोल नहीं सकते बस वो बोल नहीं सकते कौटा क्योंकि सानू खाता से किस भी को राक्षस जे सानू ना खाता कोई गल दे सी खाई जाता जो मर्जी फिर तो इतिहास ही किसी बन इतिहास ही इसे बने जो सानू खाता से इसलिए सानू तकलीफ है सानू इसलिए तकलीफ है कि बंद खाता से होर कोई गल नहीं डगर खाई ना जी कुछ नहीं कहना ना कि इतिहास करना गुरु नानक देव चले तो उन्होंने समझाया क्योंकि उन्होंने समझाने की ऐसी कला ऐसी विधि से कि कोई अगो ना ही नहीं कर सकता जिन्हों ने भी विचार वटांदरा किया बहस कह लो चाहे विचार वटांदरा किया सारे सारे गुरु नानक का सैन समझते सर तुम ठीक कहते जो कोई ठीक कहता है गुरु नानक की गल कौटे राक्षस ने मन लिया पर असी गुरु नानक की गल नहीं मन लिया सज्जन ठग ने मन लिया ठगियां छड़कियां असी अजे भी करी जा रहे कई जा रही बेअंत चोरिया कर रहे हैं डाकिया मार रहे हैं ठगियां कर रहे हैं मिलावटा कर रहे हैं धोखा तरी कर रहे हैं लुटा खोट कर रहे हैं बड़ा कुछ कर रहे हैं साढ़े नाल सज्जन ठगी वधी है घर तो घर छड़ते गया तो छड़न तो वह गुरु नानक की कृपा के ब्रह्म ज्ञानी हो गया कौडे राक्षस ने भी छड़ते गुरु नानक ने ब्रह्म ज्ञानी बना के मध्य प्रदेश का प्रचार कराता कि यह पहली दुनिया जानती है सज्जन ठाक ने भी प्रचार कराया सी जिन दुनिया बड़ी जानती है जो ये बदल गया दुनिया से बहुत प्रभाव पड़ेगा दुनिया से बहुत प्रभाव पड़ेगा वे ऐडा बड़ा ठग संत हो गया ऐडा बड़ा राक्षस संत हो गया उसका प्रभाव पड़ता है संसार से और भी इस पासे मुड़ते हैं। गुरु महाराज ने कहा भाई लालच नहीं करना राजे भी लालच करते आए हूँ भी करते रावण कोल पहुंच गया पत्नी उतों का राजा बड़ा लालची बहुत ज्यादा टैक्स लाए हुए आप हीरे जवाहर इकट्ठे कर रहे थे खजाने लोगों का माड़ा हाल से खाण पीन पहनने उठने से लोगों बड़ी तरस लोग हालत गुरु नानक ने देखे गुरु नानक थान से बैठ गए अपनी माया बता के ना अगे पैसे का ढेर ला दिया चलो कुछ कुछ भी मत्था टेक रहे हैं हौली हौली गल फैल गई एक साधु आया बड़ी माया है राजे को पता लगता
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਖ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅੱਤ ਚ ਆਏ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਭੁੱਖ ਭਰਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਅੱਤ ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਕੁਟਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਨੀ ਹੈ ਅਜੇ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਨੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹੀ ਕਸਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਚਲੀ ਖੜੀ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਰ ਲਾਲ ਖੜੀ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕੋਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਝੌਂਪੜੇ ਚ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੌਂਪੜੇ ਪਾਏ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਕਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾ ਵਜਾ ਜੀਰੋ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਨਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਦਾ ਕੋਹਰ ਹਟਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੁਕਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਪਰ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉੱਠਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਹਨੇ ਜੋ ਦੇ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਦਾ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੱਜੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸਭ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਪਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਏ ਜੋ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੀਏ ਜਿਸ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮੂ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਰੋ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੌਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਘਰ ਚ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਬਦਲ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਕੋੜ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਸੀ ਭੋਗ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਨੇ ਸੌ ਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਜਦੋਂ 1532 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰਤਾਰ ਪਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟ ਗਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸੌਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸੌਂ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸਨ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਝਰੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਣਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਝਰੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ
की कारण भाई कहना जी जिथे भी प्यार सहत साड़ी कोई बाणी पढ़ते ना अस उ जाने कहते महाराज तुम कि गए कहते पिंड बार बार कार ही है वो भेड़ा बकरियां जा रहा बाणी बड़े प्यार पढ़ रहा ओदियां भेड़ा झाड़ियां बन गई झाड़ियां तो अगे खेत सी उन्हें सोचा जे भेड़ा बगैर खेत चली गए मालक लड़ेगा वह भी झाड़ियां बन गया जो झाड़ियों में उड़िया बाणी भी साड़ी पढ़ता जो अस क्योंकि साड़ी प्यार से बाणी पढ़ असी भी झाड़िया पढ़ गए इस करके कंडे लगे खुंगियां भी दस रहे हूँ उन्हें रोटी खान लग पे भेड़ा बकरियां कट्ठिया करके असी वापस आ गया इस तरह मतलब है जे आज ही गुरु नानक जी अपने को सतसंग है तो आप भी सत्संग कि प्यार बाणी पढ़ते हैं सिर्फ इस तरह पर करते जे प्यार पढ़ते हैं कई बार बाणी पढ़ते हैं पढ़ते हैं अखा चो अथरू आए वाले वाले मतलब बड़े ही साफ से हसी हो गए क्यों अथरू आए पर अखा चो दो कारण होते हैं एक तो बाणी की लाइन ने साढ़े से असर किया कबीर सतगुर सूर में वाहया बाण जो एक बाण तीर वाहया बने चलाया वाहया बाण जो एक लाग ही भोए फिर भरया भरया कि गुरु ने कोई तीर चलाता है ये बाणी तीर है कई बार बाणी पढ़ते हैं बंदा रोना शुरू कर दिता कीर्तन सुनते हैं रोना शुरू कर दिता है दो कारण रोना आए एक तो जे रूह आ गई जिसे तुम बाणी पढ़ते वो थोड़े को आ गए जिसकी बाणी का कीर्तन सुन रहे थे वो थोड़े को आ गया को आ गए वैराग जा तो तुम बड़े प्यार पढ़ रहे थे ता भी वो आ गए प्यार सुन रहे थे ता भी वो आ गए सो जिथे प्यार होएगा यह नहीं कि सिख ही गुरु महाराज को चल के अंदर नहीं प्यार दुरली प्यार एक पासे का नहीं मोह एक पासे का हो सकता है मां प्यो का मोह बच्चों नाल होता है जरूरी कि बच्चों का मोह मां प्यो नाल हो जरूरी नहीं होता मां प्यो का जरूर बच्चों नाल मोह होता है इसे तरह जिहड़ा प्यार है वह दुरली होता है जे असि गुरु महाराज को प्यार करते हैं तो गुरु महाराज साढ़े प्यार के बच्चे साढ़े प्यार आते हैं जिन्हों की जिन दृष्टि खुली है अगर कभी सिमरन कारण है भगवंतगी कारण है कीर्तन सुन रहे टीम के भाने सुन रहे हैं वह देखने के उन्होंने कमरे के रूह आ गई वह भी प्यार विजय है कहें हे परमात्मा तू तो सानू बन लिया है मोह के असि तेन प्यार के वसीब बन रब ने भी बनने जा सो प्यार है जिथे प्यार सिख दे गुरु महाराज भी उसको प्यार करते कैलाश पर्वत चले गए बड़ी बड़ी उम्र के जोगी बैठे चार चार सौ पांच पांच सौ साल गुरु नानक को चाली साल जोगियों के प्रभावित करिए बंदा तो बड़ा ज्ञानवान है जो गलावत कितनी बहुत ही योग है जे कि साढ़े फिर के चाहे साढ़ा नाम बड़ा दूर दूर हो जाए प्रभावित कर लिया फिर सिद्धियां मखाणियां अपनी चिप्पी गुरु नानक जन के कहते बल्ले ओ झील है मान सरोवर वो तो पानी लैके प्यास गुरु महाराज ने किश्ती नंबर चिप्पी होंगी कहते योगियों ने की किया अपनी शक्ति बरसा के पानी के कहते हीरे हीरे कर दिया गुरु महाराज कहते ओहो योगी हो ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਜੋਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਓ ਹੀਰੇ ਖਾ ਲਓ ਇਹੀ ਖਾ ਲਓ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਮੂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
तो सही पानी के हीरे बना कर हम तुम प्यास लगे हीरे का कि मैं जा रखा हूँ हमें तो ना क्यों भी जा रहा हूँ बहन के कितने गुरुवान नदी में मैं क्या चीज लगा रहा हूँ दोबारा पानी 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 ऐ मेरी नान कायम है चीन दे बीच छह नान कायम है वोते उतने बाद पता है चीन से रोज बहुत ठंड पड़ी है सर्दियाँ सारी हकी ना जा रही है गुरु नानक देव जो थे पहुंचे वो सारा पानी जमिया है उतन लोगों ने बहन ने कितने जी सानों ने पानी गर्म कर करके यहाँ पे दबर पानी दिए कृपा करो गुरु नानक के गाल में जड़ी माला पाई थी ना मन के तोड़ तोड़ के की रचना शुरू कर दे सारा का सारा जा पानी पानी गति है बर्फ सारी आत्मा सब पानी परमात्मा की प्राप्ति भी रीतियां सिद्धियां मुका के लोगों को रोटी पानी का प्रबंध किया आप ही अधूरे हो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨ ਦੇਹ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਲਟ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਜਾ ਗਿਆ ज्ञान हो गए आही बारी है परमात्मा अवर काज करे किते ना काम मेरे साथ संगत भज के होए ज्ञान ते हो गया पर अजे वे से अजे लगे हुए अजे परमात्मा दी प्राप्ति लई असि तनो मनो लगे नहीं है भजन भजन की करते हैं पुत्र हो जाए प्रमोशन हो जाए नौकरी मिल जाए नेड़े की बदली हो जाए तंदुरुस्त हो जाए कारोबार वादे भजन कदे किसी पास ही लगे होते जिस काम आए हैं कदे असली को शुरू नहीं पीता तन हो जाता कुछ लग गए न सके ताई ऊंची अवस्था चले गए संसार जरा पाड़ पड़ गए ऊंची अवस्था तो हमें नहीं ले जाएगा आत्मा को अवस्था ऊंची कर ले तो जितनी है करो फिर जाके करो आत्मा प्रस्ताव ऊंची हो रही है ताई उस परमात्मा तक मिले कर सकता इसलिए जिस काम असी हैं हमेशा सानू याद रहना चाहिए तुरते फिरते असी की करना है असी परमात्मा की प्राप्ति करना है ये जरा भजन भजगी एक साधन है एक साधन है असी साधन को ही उद्देश्य समझी बैठे हैं साधन उद्देश्य नहीं होया करता ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਏ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਏ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬਸ ਟਰੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਪਿਆ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਖੰਡ ਸਾਧਨ ਰਾਣੀ ਸਿਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕਾ ਜੀਵਨ ਲਿਆ ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪਵੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਮਨ ਵਰਤ ਮੰਨੋ ਕਰ ਕਹਿ ਤੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਭ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਉਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ